योगीराज में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी यूपी के जिला हरदोई में देखने को मिली, जहां मामूली विवाद पर दबंगों ने एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। वहीं वारदात के दौरान किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर गुंडाराज को बुलंद करने वाली इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अरे मोबाइल उठा लो भाई, अरे यार छोड़ दो भाई। दरअसल 15 मार्च मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे पीआरवी बाइक 112 के आरक्षी राहुल गौतम अपने हमराह होमगार्ड नीरज अवस्थी के साथ गुरगुज्जा की तरफ जा रहे थे। बिलग्राम रोड से गुरगुज्जा की तरफ जैसे ही पीआरवी की गाड़ी बढ़ी, तभी पीछे से एक बाइक तेजी से ओवरटेक करते हुए निकली। इस पर आरक्षी राहुल गौतम ने एतराज जताया। आरोप है उसके बाद बाइक सवार अंकित त्रिवेदी, मनीष सिंह और भीम गुप्ता ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर तीनों दबंगों ने कांस्टेबल राहुल गौतम और होमगार्ड नीरज अवस्थी की पिटाई कर दी। यही नहीं, दबंगों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी। घटना के बाद राहुल ने आईपीसी की 6 सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अंकित त्रिवेदी और मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी भीम गुप्ता अभी भी फरार है। हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर ये पूरी घटना हुई है। बाइक सवार पीआरवी 112 पुलिसकर्मी की स्थानीय लोगों ने पिटाई की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।